द मिडल ईस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन इन द वर्ल्ड। इस पूरे रीजन में 4 फीलिंग स्टेट्स हैं और इनके दरमियान 3 जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं जो यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। अगर हम मिडल ईस्ट के ममालिक पर एक सरसरी नज़र दौड़ाएं तो इनमें से कई ममालिक इन जंगों और जुल्म की भेंट चढ़ चुके हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर 20वीं सदी की बात करें तो मिडल ईस्ट के ज़्यादातर ममालिक में सिविल वार, बगावत और आपसी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। और इन सब में इन्वॉल्व जिन 2 ममालिक को ठहराया जाता है वो हैं ईरान और सऊदी अरेबिया, जो एक दूसरे के सबसे बड़े हरीफ हैं। आखिर ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं और इनके दरमियान तनाज़ा है क्या? सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी जंग का ऐलान नहीं किया। इंस्टेड ये दोनों ममालिक इराक में इनडायरेक्टली जंग लड़ते रहे, वो इस तरह कि ये अपने हामी ग्रुप्स को फंडिंग और असलहा फ्राहम करते रहे। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने इनडायरेक्टली जंग यमन और सीरिया में भी लड़ी। यमन के शिया ग्रुप्स को ईरान फाइनेंशली और असलहे के साथ सपोर्ट करता है, जो यमन की हकूमत के खिलाफ बगावत करते हैं और सऊदी यमन बॉर्डर के पास आकर सऊदीया में रॉकेट्स फायर करते हैं, जबकि सऊदी अरेबिया हकूमत को सपोर्ट करता है और इन शिया ग्रुप्स पर अटैक भी करता है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की अपने बॉर्डर के साथ जुड़े हुए ज़्यादातर ममालिक के साथ दुश्मनी अब लड़ाई में बदलती जा रही है और ये पूरा रीजन अब बैटलफील्ड बनता नजर आता है। और इस रीजन में मौजूद तमाम हरीफ जिस जंग में फंस चुके हैं या फंसने जा रहे हैं वो है कोल्ड वार, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड वार तकरीबन 40 साल तक लड़ी जाती रही और ये जंग थी अमेरिका और रशिया के दरमियान। दोनों ममालिक अपना झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखना चाहते थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जंग डिक्लेयर नहीं की, लेकिन ये दुनिया के कई ममालिक में प्रॉक्सी वार लड़ते रहे। इन ममालिक में इनके बनाए हुए डिक्टेटर्स रेबल ग्रुप्स या होसी ग्रुप्स होते जो इन दोनों ममालिक का झंडा ऊंचा करने की कोशिश में लगे रहते। नुकसान होता तो सिर्फ उन ममालिक का जिसमें यह फसादात या जंग करवाई जाती। अमेरिका और रशिया की तरह सऊदी अरेबिया और ईरान भी एक दूसरे के इंतहाई ताकतवर हरीफ हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी जंग ना तो डिक्लेयर की और ना ही करेंगे। लेकिन ये दोनों मुल्क पूरे मिडल ईस्ट पर कब्जा जमाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे ये मिडल ईस्ट को ही क्यों ना तबाह कर दें। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं? इसको समझने के लिए हमें इस रीजन के कंट्रीज को देखना होगा। अर्ली 1900 में इस खित्ते का ज्यादातर हिस्सा ट्राइब्स के कब्जे में था, जिसे ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था। फिर वर्ल्ड वार वन के बाद यानी 1920 में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया और इसका कंट्रोल यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। पीछे बची वो ट्राइब्स जिनका यहाँ कब्जा था, फिर यही ट्राइब्स ताकत और इलाके हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगीं। और इनमें से एक कबीला आले सऊद था जिसने इस पूरे खित्ते पर कब्जा कर लिया। और फिर 1932 में आले सऊद ने इस खित्ते को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से रिकॉग्नाइज किया। सऊदी अरेबिया बनने के सिर्फ 6 साल बाद यहाँ से तेल निकल आया। सऊदी अरेबिया ने फौरन अमेरिका से अलायंस बनाई और तेल निकालने का अमल शुरू हो गया। दूसरी तरफ ईरान था, जो खुद भी तेल की दौलत से माला माल था और ये मुस्लिम आबादी रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। ईरान इस वक्त हर एतबार से इंतहाई ताकतवर मुल्क है। हालांकि 18 सेंचुरी से रशिया और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान पर 2 बार हमला किया। 1953 में US ने सीक्रेटली ईरान की गवर्नमेंट में बगावत करवाई और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को हटाकर शाह को ईरान की कुर्सी पर ला बिठाया। इस शाह का एक ही मकसद था, ईरान को एक सेकुलर मुल्क बनाना, लेकिन शाह ने इसके साथ साथ अपनी खुफिया एजेंसी सवाक के जरिए ईरान के मजलूम लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। 1970s में ईरान और सऊदी अरेबिया ऑयल की बेस पर अपनी बेहतरीन इकोनॉमी बना चुके थे और तब से इन्होंने अपनी ताकत पर जोर देना शुरू किया और आज ये दोनों हर एतबार से इंतहाई ताकतवर हैं, जिसकी झलक मैं आपको इराक, सीरिया और यमन में दिखा चुका हूँ।